बस यहाँ पे परफेक्ट वोल्ट क्या आ रहा है स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट वोल्ट क्या आ रहा है समझ लो, यहाँ पे अपनी डिश प्रॉपर तरीके से सेट हो गई, जैसे देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजेटेज यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में इस स्मार्टफोन से मैं आपको डिश एंटेने को कैसे सेट करते हैं दोस्तों, ये जुगाड़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस वीडियो को जिस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पर आपको अक्सर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में एक स्क्रीन रहे को मतलब स्क्रीन नज़र आ रही होगी दोस्तों, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा एप्लीकेशन में, यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बाजू में, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, सेटेलाइट फाइंडर प्रो, इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से उसको क्लिक करना है। और दोस्तों ध्यान रखिए इस वीडियो में मैं बारीक चीज़ समझने वाला, बारीकी से समझाए दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते दोस्तों, फालतू में आप बाद में कमेंट कर देते या मुझे ये समझने आया वो समझने आया, तो इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को स्किप करते मत देखना, स्किप करोगे तो थोड़े से भी मिस कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप मत करे, लास्ट तक देखो। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको जैसे बाजू में देख रहे कुछ इस तरह से आपको पेज यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, NSX6 जहाँ पे लिखा है दोस्तों उसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो इतने सारे सेटेलाइट के नाम वहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे नाम आ गए तो समझ लेना कि इतने सारे सेटेलाइट के नाम वहाँ पे आ गए, तो आपको जैसे कौन सी सेटेलाइट सेट करनी है दोस्तों उसके ऊपर आपको डिपेंड रहेगा। जैसे आपको सेट करना है NSX6 या एयरटेल टाटा स्काई, जो भी आपको सेट करना है दोस्तों उसको आपको ध्यान से देखना है कौन सा इसका नाम कहाँ आएगा। जैसे कि ये हो गया दोस्तों, मैं करने वाला हूँ दोस्तों NSX695 DISH TV, प्रॉपर DISH TV सेट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो सेट करेंगे हम 95 ईस्ट का, यहाँ पे ढूंढेंगे और दोस्तों यहाँ पे 95 ईस्ट मिल गए हमें NSX6, ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमें NSX6 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन में। तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक एरोप्लेन जैसा आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर आपको ये एरो लेके आना है। जैसे विथ प्रोप को दिखा रहा हूँ दोस्तों मोबाइल के, डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ दोस्तों इसके ऊपर कि आपको वैसे वो कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल को जो रखना है, मोबाइल को कुछ इस तरह से आपको रखना होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी रखा है, कुछ इस तरह से आपको मोबाइल को रखना है। और मोबाइल को रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको समझ लो डिश आपके ऐसी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बार डिश को ढीली कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डिश हमारी ढीली हो रही है। तो दोस्तों डिश को ढीली कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी डिश घुमाने में। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रखना है मोबाइल, और आपको अभी क्या करना है दोस्तों, राइट लेफ्ट करते रहना है, जो कि वहाँ पे परफेक्ट बोल के नहीं आएगा दोस्तों तब तक। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ही बाकी था, तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट बोल के आ गए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बस यहाँ पे परफेक्ट वोल्ट क्या आ रहा है स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट वोल्ट क्या आ रहा है समझ लो, यहाँ पे अपनी डिश प्रॉपर तरीके से सेट हो गई, जैसे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारे परफेक्ट बोल के बता रहा है। तो दोस्तों इसका काम हो गया है, अभी आपको क्या करना है सिंपल सा, अभी क्या करेंगे हम, ये तो हो गया दोस्तों इसका जो मेन काम था दोस्तों एप्लीकेशन का, ये तो हो गया। और दोस्तों ध्यान रखिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त आपके फ़ोन में कंपास सेंसर होना ज़रूरी है, फिर आप ही बाद में कमेंट करते हो यार मेरे से ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करे, तो वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जब आप स्मार्टफोन यूज़ करेंगे दोस्तों तो तब आपके पास होना चाहिए स्मार्टफोन GPRS वाला, जो कि कंपास सेंसर वाला। तो ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी जैसे कि मैंने बताया इतना सा आपको रखना है, और ये होने के बाद आपको जैसे यहाँ पे अभी देख दो, यहाँ पे होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परफेक्ट बताएगा, और परफेक्ट बताने के बाद दोस्तों आपको अब भी क्या करना है, सिर्फ अप डाउन पास दोस्तों इतना ही करोगे तो दोस्तों आपके सिग्नल वहाँ पे मिल जाएगी 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको वहाँ पे आपके सिग्नल मिल जाएंगे जरूरी। और दोस्तों ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके दोस्त के या आपके रिश्तेदारों के पैसे बच सकते हैं डिस सेट करने आते हैं कोई तो। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कोई टेक्नीशियन बुला के आप डिस सेट करा लेते हैं तो 250-250 रुपये लेके जाता है। तो दोस्तों इतना सारा आसान तरीका बताया आपको मैंने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे रोजाना हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।